सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का ऑफर लेटर कैसे चेक किया जाता है और एग्रीमेंट क्या होता है। अगर हमें कहीं पर जॉब मिलता है तो एग्रीमेंट क्या होता है और क्या उसमें देखना चाहिए कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। हम लोग जानेंगे कि जब हमारा किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू हो जाता है तो हम लास्ट में क्लाइंट से क्या पूछ सकते हैं और क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप मुझे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैसे किसी कंपनी में आप जाएँ तो उसका एग्रीमेंट पेपर चेक करें, कैसे आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं। तो आज दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी का इंटरव्यू देते हैं और हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है यानी हम पास हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलता है एक पेपर जिस पर हम साइन कर देते हैं, बिना पढ़े बिना लिखे, बस वो बता दिया और हम साइन कर दिए। तो ऐसे ही लोग आकर के फंस जाते हैं। उस एग्रीमेंट पेपर को, उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ते नहीं हैं, फटाक से साइन करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दें, आप अगर सेलेक्ट हो गए तो सबसे पहले अगर आपका एग्रीमेंट पेपर आप साइन कर रहे हैं तो 5 मिनट समय निकाल करके अपना एग्रीमेंट पेपर पढ़ें। उसमें लिखा रहता है कि हमको छुट्टी कितने साल पर मिलेगा, महीने में हमारा कितना छुट्टी है। अगर हम 1 साल में छुट्टी आते हैं तो कंपनी का टिकट है कि हमारा टिकट है। अगर हम 2 साल पे आएंगे तो कंपनी हमको टिकट प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। वहाँ पर जाने के बाद रूम कंपनी का रहेगा कि मेरा रहेगा, खाना कंपनी का रहेगा कि मेरा रहेगा, मेडिकल फैसिलिटीज है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा उसमें लिखा रहता है। तो आप उसे ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही उसको साइन करें। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाता है या हम किसी एजेंट को पासपोर्ट अपना दे दिए हैं, उधर से वो एक पेपर लेके आता है, बोलता है इस पर साइन कर दीजिए, आपका एग्रीमेंट पेपर है, और आपको भेज देता है। बाकायदा आप भी साइन करके उसको भेज देते हैं। तो जब आपको किसी एजेंट के द्वारा कोई ऑफर लेटर मिला हो कि ये आपका ऑफर लेटर है, इस पर साइन कीजिए और हमें दे दीजिए, फिर कंपनी में वापस भेजना है, तो उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कंपनी का ऑफर लेटर सही है कि नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर सही है कि नहीं। आज हम उसको ही बताएंगे कि आप क्लियरली कैसे पता कर सकते हैं वो सही है या फेक है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर सही है तो कोई भी ऑफिस वाला आपको कलर कॉपी नहीं देगा। ये जेन्युइनली बात है, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा। किसी भी ऑफिस में अगर आप इंटरव्यू मार रहे हैं तो जब भी आपको साइन कराएगा तो वो कलर कॉपी नहीं रहता है, ब्लैक एंड वाइट रहता है। और एजेंट क्या करता है, वो लोग को पता नहीं है, फट से डुप्लीकेट ऑफर लेटर बनाया और कलर आपके मोबाइल में भेज दिया, आप प्रिंट आउट करा करके उस पर साइन करके फिर उसको वापस भेज देते हैं। तो पहला तरीका ये है कि कोई भी कंपनी आपको कलर कॉपी अपना जो होता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं देता है, ओरिजिनल आपके हाथ में नहीं देगा या आपके मोबाइल में नहीं भेजेगा। और ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, यूपी बिहार झारखंड के लोग बहुत मासूम होते हैं। एजेंट बोल दिया हाँ हाँ भाई कंपनी अच्छा है, ये अच्छा वो अच्छा है, बस यूपी में मानता हूँ बेरोजगारी बहुत है, बिहार में भी बेरोजगारी बहुत है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपना समय काट रहे हैं यूपी में, मुंबई में, दिल्ली में। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल से जुड़िए। अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आप विदेश जाने में रुचि रखते हैं, अगर आप विदेश जाकर के कमाने में इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब रिक्वायरमेंट वाली वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकें और देख करके जानकारी हासिल कर सकें कि जिस काम को आप करते हैं उस काम का इंटरव्यू है, फ्रेशियर के लिए इंटरव्यू है कि नहीं। तो आप जा करके इंटरव्यू दे दें और बेहतर सिलेक्शन करा के आप किसी अच्छे कंपनी में अपना समय बिताइए जहां पर आपको फायदा हो। तो दोस्तों, मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहता हूं, आप लोगों को मोटिवेट करते रहता हूं। और कभी भी हार मत मानिए किसी भी चीज पर। एक कहावत है कि आप अगर एक जगह पर खड्डा खोदते रहे तो एक न एक दिन आपको पानी जरूर मिल जाएगा।
5 फीट यहाँ खन दिए, 10 फीट वहाँ खन दिए, तो आपको ऐसे पानी नहीं मिलने वाला है। सेम वही तरीका जिंदगी का है। अगर आप एक जॉब के लिए ट्राई करते रहे तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये मत सोचिए कि हमारा इंटरव्यू एक जगह पर फेल हो गया तो हम निराश हो गए, उदास हो गए। नहीं, आप बार बार इंटरव्यू देते रहिए। अगर आप इंटरव्यू दे के फेल हो जाते हैं तो उससे भी आपको बहुत बड़ा सीख मिलता है। उस सीखने की तो दूसरा तरीका ये है कि जब भी किसी कंपनी का ऑफर लेटर आपको मिले तो उसमें ईमेल आईडी रहता है कंपनी का, तो आप उस ईमेल आईडी पर मेल मत करें। आप गूगल पे सर्च करें फला फला कंपनी और सेम मैच करें। अगर ऑफर लेटर उसके लोगों से मैच हो जाता है तो आप उसका ईमेल आईडी निकालें और अपने मोबाइल में उस ऑफर लेटर का पीडीएफ जो है उस ईमेल पर आप सेंड कीजिए और लिखिए, डियर सर, दिस इज योर कंपनी ऑफर लेटर, प्लीज कंफर्म दिस ऑफर लेटर फेक एंड ओरिजिनल। आप एक मेल कीजिए, जवाब नहीं आता, आप एक बार मेल कीजिए, नहीं जवाब आता है, दूसरा बार मेल कीजिए, जवाब नहीं आता है, तीसरा बार मेल कीजिए, तीसरा बार मेल करने के बाद आपको जवाब जरूर मिलेगा और वहाँ से जो जवाब मिलेगा वो बहुत ही जेन्युइन है। अगर आपको करने नहीं आता है चेक ऑफर लेटर या वीजा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका ऑफर लेटर, आपका वीजा चेक करके आपको बिना पैसे का, बिना फीस का आपको बताऊंगा कि आपका ऑफर लेटर सही है या फेक है, आपका वीजा ओरिजिनल है या फेक है। तो दोस्तों, खास करके यूपी बिहार झारखंड से रिलेटेड जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो वो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका ऑफर लेटर, आपका वीजा चेक करके आपको बिना पैसे का, बिना फीस का आपको बताऊंगा कि आपका ऑफर लेटर सही है या फेक है, आपका वीजा ओरिजिनल है या फेक है। तो दोस्तों, खास करके यूपी बिहार झारखंड से रिलेटेड जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो वो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भाई का ज़िंदगी बच सकता है, किसी भाई का ज़िंदगी बन सकता है। अगर आप विदेश जा कर के पैसा कमाने में रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप लोग एक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके प्रोवाइड करता हूँ। सो दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय।